वकीलों का विरोध प्रदर्शन जारी, धरने पर बैठे वकील, गर्मी होने से एक वकील की हालत बिगड़ी। यूपी के रामपुर में ग्राम न्यायालय खोले जाने के विरोध में वकीलों की हड़ताल जारी रही। हड़ताली वकीलों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया, साथ ही उन्होंने ग्राम न्यायालय खोले जाने के विरोध जारी रखने का ऐलान किया। इस दौरान सभी वकील कलेक्ट्रेट में ही धरने पर बैठे, जहां एक वकील की हालत बिगड़ गई, जिसे पास के ही चिकित्सक को दिखाया गया। भाई ये जो टेम्परेचर बहुत तेजी से है और हम लोग जो नारे मारते हैं, हमारे अधिवक्ता सब साथ में आए हैं, एकदम से चक्कर आ गया है और 9 दिन 10वां दिन चल रहा है और हमारे बराबर जो हमारा संघर्ष है वो जारी है। और ग्राम न्यायालय जो बनाए जा रहे हैं, ना तो हमारी बार एसोसिएशन को विश्वास में लिया गया है और ना ही हमारी जो और जो कमेटियां हैं, जो और यूनिट हैं, ना उनको विश्वास में लिया गया है। बगैर विश्वास करे हुए और एक ऑर्डर पास कर दिया जाता है, इसी के विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। जब तक हमारे बार एसोसिएशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाएगा, तब तक सारी बातें बेकार। ग्राम न्यायालय बना रहे हैं, उसमें कोई अधिकारी बैठ नहीं रहा है। मौजूदा समय में यहाँ पर मजिस्ट्रेट कितने कम हैं और आज 5 मजिस्ट्रेटों को और ट्रांसफ़र हो गया, सारी मजिस्ट्रेट वाली जो अदालतें हैं वो सब खाली हो गई। और 25 किलोमीटर के दायरे में जो रूल्स है वो ये है, 25 किलोमीटर के दायरे में ग्राम न्यायालय खोले जाएंगे। तो हमारी तो वैसे भी छोटी छोटी तहसीलें हैं जो 20 किलोमीटर के दायरे में आ रही हैं, तो यहाँ तो कोई चक्ती नहीं है। और अभी वहाँ ना बैठने का साधन है, ना कोई फर्नीचर है, ना आप वापस इसके आदेश के वापस की मांग कर रहे हैं, कितने दिन हो गए? ये 9 तारीख से हमारी कंटिन्यू बराबर हड़ताल चल रही है और कंटिन्यू जारी रहेगी जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं कर लेते। ग्राम न्यायालय जो बनाने का इन्होंने आदेश दिया है, इसको इनको वापस लेना पड़ेगा। ठीक है।